राजोरी चने के खेत और इस शेखुपुरा गांव की बेटियां चूड़ियों को रंगती हुई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं शरद असवाल पहाड़ी बुला। और आज हम फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के शेखुपुर गांव में और यहां पर हमारे दोस्त संजय भाई हैं। आज हम उनकी ट्यूबवेल पर आए हुए हैं क्योंकि आज यहां पर जो है कि टेम्परेचर हो रखा है 42 डिग्री का। तो आज हम आए हैं ट्यूबवेल पर नहाने के लिए और साथ ही आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर जो बहुत सारी खेती इन खेतों में क्या क्या होता है, आप सबको आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं पिकनिक की ओर। और ये हैं हमारे संजय भाई, आप देख सकते हैं अपने खेत से बिल्कुल ताज़े ताज़े खीरे तोड़ के लाते हुए। और ये आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल खीरे का खेत आप देख सकते हैं उपेंद्र भाई के हाथ पे। और अब इनको हम डालेंगे बिल्कुल ठंडे पानी में भिगाने के लिए और उसके बाद आज खीरा बिल्कुल देसी नमक के साथ खाया जाएगा। और आप देख सकते हैं ट्यूबवेल का बिल्कुल ये पानी सामने, ये ट्यूबवेल है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा टिंडे का खेत है इनका। और ये भाई अपने खेत में ये टिंडे लगे हुए दिखाते हुए हमें, अंदर इन्होंने अभी पानी छोड़ रखा है इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। यार संजय भाई, आपका ये कौन सा खेत है? ये शेखुपुर वाला है। शेखुपुर वाले नहीं, इस पे जो ये फसल लगी हुई है कौन सी फसल है? खुत्ते की फली है। खुत्ते की फली, ओके देखते हैं खुत्ते की फली। इसकी सब्जी बनती है ना? जी साहब। तो साथियों संजय भाई ने बताया कि ये खुत्ते की फली, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खुत्ते की फली लगी हुई है। और ये पूरा खेत इनका इसी का है जिसमें पूरी सब्जी बोई हुई है। और ये आप देख सकते हैं संजय भाई की ट्यूबवेल। बाद आप कुछ ही देर में हम तो जैसे ही धूप तेज होगी तो हम इसमें नहाना शुरू करेंगे। वैसे आज बहुत अच्छा मौसम हो गया है, आसमान में बादल छा गए हैं तो थोड़ा टेम्परेचर में कमी आई है। और साथियों आप देख सकते हैं ये संजय भाई के खेत में कटहल का पेड़ और इसके चारों तरफ सब्जी सब्जी खेतों में। और साथियों हमारा चूल्हा जल गया है और चूल्हे में रख दिए संजय भाई ने मिक्स दाल, दाल चना और उड़द मिक्स है इसमें। और आज हमारा बन रहा प्योर वेजिटेरियन खाना। और साथ ही आप देख सकते हैं ये हमारा जुगाड़, ये हमारे वीरेंद्र भाई भी लग गए हैं अपने काम पे। और ये बिल्कुल दाल के लिए हर प्रकार की सामग्री तैयार करते हुए। और इससे आगे जो भी हमारी खाने की व्यवस्था होगी उसके लिए संजय भाई ने अपने गांव का एक व्यक्ति बुला लिया है। हलवाई आ रहा है, आ गया वो, देखो हलवाई क्या तुम दाल उबालो फिर देखते हैं, फिर हलवाई खाना तो अभी ठीक है आ गया ना। अरे रे रे रे, ओ पहुंच गया भाई पहुंच गया। और ये अभी एंजॉय से पहले सभी आदमी अपने अपने टास्क में लग चुके हैं आप देख सकते हैं हम खेतों में। और इसके बाद करेंगे हम फुल एंजॉय, पहले अपने टास्क पूरा करेंगे। आजा उद्दीप, आजा संजय तू भी आजा उद्दीप में। Oh,
और साथियों आप देख सकते हैं हमारे मुल्तानी मिट्टी के शेर, ये मुल्तानी मिट्टी अपने शरीर पर लगाकर शरीर को ठंडक देते हुए, और ये आप देख सकते हैं हमारा खाना भी बनकर तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ये दोनों भाई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं और खाने की तैयारी पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल कटहल के पेड़ की बड़ी घनी छाँव के बीच में हमारा खाना बनकर तैयार हो रहा है। जोरा जोरी चने के खेत में। और आप देख सकते हैं ये वीरेंद्र भाई बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी शरीर पर लगाकर इसमें मजे लेते हुए। जोरा जोरी चने के खेत में, ये भाई साहब हमारे लद्दाख से आए हुए हैं और पूरा एंजॉय ले, भाई ये भी फुल एंजॉय ले रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि इनके यहाँ तो बर्फ गिर रही है, हमारे यहाँ आके गोले बरस रहे हैं। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे वीरेंद्र भाई और संजय भाई अपने दोस्त के साथ यहाँ पर अभी आटा लगाते हैं, जिसमें कि इन्होंने बेसन भी मिक्स किया है और इसके अब हम और साथियों अब हम सब ने खाना खा लिया और ये हमारी अंतिम टोली है जिन्होंने कि पूरी टीम को खाना खिलाया और बनाया भी है बहुत ही टेस्टी खाना, और अब सबसे अंत में खुद खाना खा रहे हैं और इसके बाद अभी हमें जाना है गांव शेखुपुर की तरफ। तो खेते इसमें मूंग दाल और उड़द दाल की खेती हो रही है। हम फिरोजाबाद, हमारा गांव शेखुपुर है, हमारा नाम सौविक है, हमारा नाम अमन है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। साथियों अभी हम फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के शेखुपुर गांव में, और आप देख सकते हैं शेखुपुर गांव की बेटियां जो कि चूड़ियों को रंग रही है, और कहते हैं कि जब ये चूड़ी किसी सुहागन के हाथ तक या फिर हमारी माँ बहनों के हाथों तक पहुंचती है तो कम से कम यह चूड़ियां 100 से 150 हाथों में जाने के बाद तैयार हो पाती है। ये बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब अपने घर में बैठे बैठे कर लिया करते हैं, और ये अच्छी बात है कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनती है, तो इन बच्चों को घर में बैठे बैठे रोजगार भी मिल जाता है और इनकी पढ़ाई भी हो जाती है। गांव से हो ना? आपका नाम बेटा? नाम बताओ और गांव बताओ। शेखुपुरा गांव से बेटा, आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता, और बच्चा आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका। और साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं गांव शेखुपुर के बीचों बीच में, और यहां पर गांव का एक मुख्य मंदिर, और हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, लोग हमें मीडिया वाला समझ के हमारे पास आ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। और हमारे गांव की स्थिति चारों तरफ ये स्थिति खराब है कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 88 से BTC हूँ, तो आपकी अगर जो कुछ इतनी चल पाए उतनी
व्यवस्थाएं पूरी करें। गांव में दो पोखरे हैं, वो भर जाती हैं, डूब जाते हैं, कोई साधन नहीं है और रास्ते खराब हैं बहुत ज़्यादा और नाली खरंजा कोई समस्या नहीं है। आप हाल सारी गली बेकार पड़ी हुई है, जल की निकासी नहीं है गांव से बाहर। सहयोग करें, अब ये कहीं जाए कहीं चले इनकी सब तो। और साथियों अभी घूम रहे हैं हम शेखुपुर गांव में, आप देख सकते हैं गांव के बीच बहुत ही तंग गलियां। और अब हम यहां से निकलेंगे, गांव से बाहर का रास्ता पकड़ेंगे और निकलेंगे हम फिर अपने गंतव्य की ओर। तो साथियों आज हम अपनी शेखुपुरा गांव की पिकनिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट्स अवश्य करें, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।